आज का पहला सवाल सवाल बहुत आसान सा। एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए, बहुत बहुत आसान सा सवाल। क्वेश्चन कहता है 90 किलोमीटर दूरी क्या है? 90 किलोमीटर आधी दूरी। आधी दूरी मतलब क्या? 45 किलोमीटर। रेस्ट आधी दूरी क्या? 45 किलोमीटर। आधी दूरी को हम किस चाल से तय कर रहे हैं यह दिया हुआ है। मतलब 45 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। बहुत आसान बात है, 45 किलोमीटर जाना है, 20 हमारा चाल है, यही तो हमारा समय होगा, दूरी बटे चाल। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 9/4 घंटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं। 9/4 का मतलब 2.25 घंटा लिख सकते हैं हम लोग, 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट लग गया, 45 मिनट और आपके पास है। क्यों? क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए, क्वेश्चन कह रहा 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, तो 2 घंटा 45 मिनट तो हम लोग का बर्बाद हो गया है, सॉरी 2 घंटा 15 मिनट तो हम लोग का बीत गया है। अब बचा कितना? 45 मिनट। और इस 45 मिनट में रेस्ट आधी दूरी तय करनी है तो औसत चाल क्या होगा? पुनः हम लोग का औसत चाल क्या होगा ये हम लोग निकालेंगे। दूरी कितना बचा हुआ है? 45 किलोमीटर। और हमारे पास वक्त कितना है? वक्त है 45 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग लगा देते हैं, 45 कैंसिल होगा, 60 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर होगा क्या? 60 किलोमीटर बराबर। रेस्ट आधी दूरी के लिए आपका औसत चाल 60 किलोमीटर बराबर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत आसान सा सवाल है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला तथा कार्यालय 3 मिनट देर से पहुंचा। दूसरे दिन उसने अपनी गति में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की और 2 मिनट पहले वह कार्यालय पहुंच गया। कार्यालय की दूरी क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दूरी x किलोमीटर है। इस दूरी को जब हम 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलते हैं तो हम उस निश्चित समय से 3 मिनट लेट पहुंचते हैं। किसी फिक्स समय में हमको जाना है, उस समय से हम 3 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। फिर क्वेश्चन क्या कहता है? अपने चाल को 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेते हैं यानी 12 कर लेते हैं, तो उस निश्चित समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, देखिए आपका चाल 10 है तो आपको कितना वक्त लगेगा? इतना वक्त लगेगा दूरी बटे चाल, इसी को समय कहते हैं ना। ये क्या है? ये समय है। फिर दूरी बटे चाल ये क्या है? ये भी समय है। इन दोनों समय का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों समय का डिफरेंस होगा 5 मिनट। अब कहिए 5 मिनट क्यों? यही 5 मिनट आपको समझना है। आपको कहीं 10 बजे पहुंचना है, कहीं आपको 10 बजे पहुंचना है। एक स्थिति में आप 10:03 में पहुंचे, 10:00 या लिखिए 10:03 आप इतना बजे पहुंचे। दूसरी स्थिति में 9:58 में पहुंच गए आप, तो दोनों का फर्क कितना? 5 मिनट का या दोनों का फर्क 1 मिनट का? फर्क दोनों का अंतर बड़ा हो जाएगा। एक निश्चित स्थान से 2 कदम आगे और उसी निश्चित स्थान से 3 कदम पीछे, तो डिफरेंस 5 कदम का या 1 कदम का? डिफरेंस 5 कदम का होगा। मतलब एक निश्चित समय है जिससे 3 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, या 2 मिनट पहले 3 मिनट बाद में 5 मिनट का फासला हो जाएगा ना। टाइम से भी आप देख सकते हैं 9:58 और 10:03, 5 मिनट का अंतर दिख रहा ना, तो अंतर यहां 5 मिनट का हो जाएगा।
अब अंतर 5 मिनट का है, इसको आपको घंटा में बदलना होगा किसी भी शर्त पर, इसलिए कि आपका चाल यहाँ क्या है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ चाल किलोमीटर पर आवर में और यहाँ आपका समय मिनट में होगा, ये नहीं चलेगा। किलोमीटर पर आवर आ गया, यहाँ घंटा आ गया, तो वहाँ भी घंटा चाहिए। बस एक्स के लिए आप हल कीजिए, ये आपका आंसर है। आपका एलसीएम क्या, 60, 6 बार में 6x और यहाँ क्या 5x बराबर क्या 5/60, ये 60-60 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा x बराबर 5 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। दूरी क्या निकला 5 किलोमीटर। आप क्या किए, आपका डिस्टेंस क्या था x किलोमीटर, इस x किलोमीटर को अगर 10 के चाल से चलेंगे तो इतना वक्त लगेगा और 12 के चाल से चलेंगे तो कम वक्त लगेगा। स्पीड जितना ज्यादा होगा समय उतना कम लगेगा, यहाँ स्पीड अधिक है ना समय कम लगेगा, तो ये समय और ये समय दोनों समय में अंतर है, अंतर कितने मिनट का है वो आप समझ चुके हैं, अंतर 5 मिनट का है। अब 5 मिनट को 60 से भाग लगा लिए, ये घंटा में आ गया। अब इस इक्वेशन को हल करते हैं, आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक व्यक्ति अपने कार्यालय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला तथा कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचा, यहां फर्क क्या है वो देखिए, 10 मिनट देर से पहुंचा, दूसरे दिन उसने अपनी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की और 8 मिनट देरी से वह कार्यालय पहुंचा, यहां क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या था, एक स्थिति में देरी से, दूसरी स्थिति में पहले पहुंचे थे, यहां क्या कह रहा है, पहली स्थिति में भी देरी से, दूसरी स्थिति में भी देरी से, तो हम लोग इसका हल कैसे लेंगे, दूरी मान लेंगे क्या x किलोमीटर, x किलोमीटर को अगर 15 से चले, 15 के चाल से, तो वक्त कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, हमारा दूरी क्या x, चाल क्या 15, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसी दूरी को अगर 20 के चाल से तय करें, आप कहिए 20 कहां से आया, आपने अपने चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की तो आपको इतना समय लगेगा और इन दोनों समय का अंतर कितना होगा, इन दोनों समय का अंतर 2 मिनट होगा। आप कहिए 2 मिनट क्यों होगा, क्योंकि एक स्थिति में आप 8 मिनट लेट हैं, दूसरी स्थिति में 10 मिनट लेट हैं, तो 2 ही मिनट का फर्क हुआ ना। जैसे आपको 10 बजे पहुंचना था, आपको कहीं 10 बजे पहुंचना है, एक स्थिति में 10:10 में पहुंचे, दूसरी स्थिति में 10:08 में पहुंचे, तो फर्क कितने मिनट का हो रहा, 2 मिनट का। इसी क्वेश्चन में कहता कि एक स्थिति में 10 मिनट बाद और दूसरी स्थिति में 8 मिनट पहले, तो फर्क 18 मिनट का हो जाता, होता ना, यही हमको समझना है, ऐसे क्वेश्चन में यही हम लोग गलती कर जाते हैं। आइए हम लोग कैलकुलेट कर लें। एलसीएम 60, 4 बार में 4x, 3x बराबर 2/60, ये 60-60 कैंसिल, x का मान 2 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। आइए इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए आपका चाल 15 है और आपका चाल 20 है, आप 15 और 20 को देखते हुए एक डिस्टेंस ले लीजिए 60, 15 के चाल से 4 घंटा और 20 के चाल से 3 घंटा, फर्क कितने का, 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का, 60 मिनट का अंतर हो रहा है, तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर, 60 ये मिनट है ना, 60 मिनट का अंतर हो रहा है तो दूरी कितना है, और दूरी 60 किलोमीटर है और 2 मिनट का अंतर है तो दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, ये आपका आंसर। आइए इस तरीके से आप इसके पहले जो क्वेश्चन देखे उसको भी हल कर सकते थे। आइए अगले सवाल, अगला सवाल आपका, क्वेश्चन कह रहा है एक चोर को एक सिपाही ने 200 मीटर की दूरी पर देखा, चोर और सिपाही दोनों उसी समय दौड़ पड़े, यदि चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सिपाही 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े
तो सिपाही कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा? देखिए, मान लिया जाए यहां सिपाही है और यहां चोर है और दोनों के बीच का फासला 200 मीटर है। दोनों एक ही समय में दौड़ पड़ा और कुछ दूरी पर चोर पकड़ा गया। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन कहता है चोर को पकड़ने के लिए सिपाही को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं टी घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, टी घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो टी घंटे में सिपाही कितनी दूरी तय करेगा? 12 टी, सिपाही का चाल 12 किलोमीटर पर आवर, ये चाल है और ये समय है, चाल गुना समय क्या होता है? दूरी। और टी घंटे में चोर के द्वारा तय की गई दूरी 10 टी, ये दूरी इस दूरी से 200 किलोमीटर अधिक होगा, सॉरी 200 मीटर अधिक होगा। क्यों? सिपाही 200 मीटर पीछे था, सिपाही 200 मीटर पीछे था और चोर को पकड़ लिया का मतलब 200 मीटर अधिक दौड़ा होगा ना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम, दोनों का अंतर क्या होगा? 200 मीटर। और ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर में और ये मीटर में, इसको हम लोग किलोमीटर में ले आए। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हालांकि इसके लिए हम लोग दूसरा विकल्प भी लेंगे, इसको 1/5 लिख लेते हैं। यहां क्या होगा? 2t बराबर 1/5 और टी बराबर क्या? 1/10 घंटा। मतलब सिपाही चोर को पकड़ने में कितना समय लगा रहा है? 1/10 घंटा। और 1/10 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा? उतनी दूरी उसको जाना होगा। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या लिखिएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना? इतना। समय कितना? 1/10, यानी 1.2 किलोमीटर। आंसर क्या? 1.2 किलोमीटर, या ऑप्शन मीटर में होगा तो 1200 मीटर होगा, यह आपका आंसर है इस क्वेश्चन को। हालांकि यहां आप कुछ ऐसा नहीं किए जो शायद समझना बहुत मुश्किल हो, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिपाही और चोर के बीच का फासला कितना? 200 मीटर। दोनों दौड़ पड़ा, कुछ दूर के बाद सिपाही चोर को पकड़ लिया। तो हमने माना चोर को पकड़ने में कुछ वक्त लगा होगा ना। अगर हम लोग चाहें तो इक्वेशन सीधा डिस्टेंस के रूप में भी मान सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्या, तीसरा, जितना भी विकल्प हम लोग हो देख सकते हैं। देखिए, 200 मीटर टी घंटे में पकड़ लेगा, तो टी घंटे में सिपाही कितनी दूरी? इतनी, चोर इतनी दूरी, और ये दूरी इस दूरी से अधिक होगा 200 मीटर। सिपाही कितना पीछे था? हम आपसे 10 कदम पीछे हैं और हम आपको पकड़ लेते हैं, मतलब ये 10 कदम अधिक चलेंगे तब तो पकड़ लेंगे। तो सिपाही चोर को पकड़ लिया, इसका मतलब है कि ये उससे 200 मीटर अधिक चला होगा। तो दोनों का दूरी का अंतर कितना होगा? 200, और इस 200 को किलोमीटर में बदल के हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी वेरिएबल लेना है तो ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स किलोमीटर पर पकड़ लेगा सिपाही चोर को। कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? एक्स किलोमीटर पर पकड़ लेगा। तो एक्स किलोमीटर जाने में सिपाही को कितना समय लगेगा? इतना, दूरी बटे चाल। और चोर कितना जाएगा? x माइनस 200/1000। अब कहिए इतना क्यों? क्योंकि चोर तो 200 मीटर कम ही दौड़ेगा ना, जितना सिपाही दौड़ेगा उतना तो चोर नहीं दौड़ेगा। अगर उतना ही चोर दौड़ेगा तो पकड़ाएगा नहीं। तो चोर 200 मीटर कम दौड़ेगा, और वो किस चाल से? 10 के चाल से, और इस समय तो बराबर होगा ना, दोनों तो एक ही समय दौड़ा। ये सिपाही के द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, ये चोर के द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, और समय दोनों एक ही होगा। x का मान निकालिए, आपका आंसर आएगा x बराबर 1200 मीटर। लेकिन हम चाहेंगे कि आप वेरिएबल नहीं लीजिए, आप ऐसे बनाना सीखिए। सिपाही का चाल 12 किलोमीटर पर आवर,
यानी एक घंटा में 12,000 मीटर, ये एक घंटा में कितना 10,000 मीटर, तो 2,000 मीटर का मेकअप हो रहा है क्या? एक घंटा हम चोर को भी दौड़ाते हैं, एक घंटा सिपाही को भी, तो 2,000 मीटर का मेकअप होगा ना, क्योंकि ये 12,000 जाएगा और ये 10,000 जाएगा, तो 2,000 अधिक जाएगा ना। तो आप देखिए ये 2,000 अधिक दौड़ रहा है, मतलब 2,000 मीटर मेकअप करना होता तो सिपाही को दौड़ना होता कितना 12,000 मीटर, और 200 मीटर का मेकअप करना हो तो दौड़ना पड़ेगा कितना 1200 मीटर। ये आपका आंसर है, ऐसे बनाइए। इस बात में कुछ दिक्कत क्या? आइए एक बार फिर समझ लीजिए, जितना समय देना है देखिए, लेकिन तरीका ये होगा तो वक्त आपका कम लगेगा। अगर एक बार में नहीं समझ पाए तो फिर से आप दोहरा कर देख सकते हैं, एक बार फिर हम देख ही लेते हैं। ये दूरी कौन तय करता है, सिपाही और ये चोर? अगर दोनों को एक घंटा हम दौड़ा दें तो सिपाही इतनी दूरी तय करेगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं, और चोर इतनी दूरी, तो दोनों में फासला कितने का हो रहा है? 2,000 मीटर का। 2,000 मीटर का मेकअप करना हो तो सिपाही को 12,000 मीटर जाना पड़ेगा कि नहीं? 12,000 मीटर गया और ये 10,000 गया, तब तो 2,000 मीटर का मेकअप हुआ, यानी सिपाही को कितना जाना पड़ेगा 12,000। तो 2,000 मीटर का मेकअप करना हो तो कितना जाना पड़ेगा इतना, और 200 मीटर का मेकअप करना हो तो कितना जाना पड़ेगा 1200। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, एक चोर को एक सिपाही ने 100 मीटर की दूरी पर देखा, चोर और सिपाही दोनों उसी समय दौड़ पर है, यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो, दोनों में से किसी का फिक्स चाल नहीं दिया है, चाल का अनुपात दिया है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? आइए, क्वेश्चन कह रहा है एक दूरी है दोनों के बीच 100 मीटर का, सिपाही चोर, दोनों के चाल का अनुपात दिया हुआ है, और क्वेश्चन कहता है जब तक चोर पकड़ा जाएगा चोर ने कितना दूरी तय किया, सिपाही ने कितना दूरी तय किया, चोर ने कितना दूरी तय किया, यह आंसर अलग अलग होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है चोर कितनी दूरी तय किया, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या बताए, सिपाही ने कितनी दूरी तय किया, तो हम लोग देखते हैं इसका चाल क्या है 5x, इसका चाल क्या है 4x, क्योंकि चाल का अनुपात 5:4 था। अब देखिए, मान लेते हैं टी घंटे बाद चोर को सिपाही पकड़ लेगा, तो टी घंटे में ये कितना दूरी तय करेगा इतना, और ये कितना दूरी तय करेगा इतना, और दोनों का अंतर कितना होगा 100 मीटर। कोई परेशानी नहीं, आप ये दोनों को घटाने पर लिख सकते हैं, एक्स टी बराबर 100 मीटर, इसको मीटर में रखेंगे तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर में आएगा। अब एक्स टी का मान 100, तो 4x का मान कितना, क्यों 4x क्यों निकालते हैं, क्योंकि 4x दूरी कौन तय किया, चोर, तो 4x का मान कितना होगा 4 × 100 = 400 मीटर। यह आपका आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में जो काम किए हूबहू वही काम किया आप, यहां सिपाही का चाल फिक्स नहीं है 5x और यहां 4x, रेशियो को देखते हुए मान चाल हम लोग ले लिए, मान लिए टी घंटा के बाद पकड़ा जाएगा तो टी घंटा में ये कितनी दूरी तय करेगा, ये कितनी दूरी तय करेगा, और दोनों का अंतर 100 मीटर तो होना ही है, दोनों का अंतर 100 मीटर, xt का मान इतना, इसलिए 4xt का मान कितना, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे, माना x मीटर में चोर x मीटर चलने के बाद पकड़ा जाएगा, ये x मीटर जो ले रहे हैं किसके लिए, सिपाही के लिए नहीं, चोर के लिए,
तो एक्स मीटर को कौन तय कर रहा है? चोर। तो क्या इतना समय लगेगा? क्या इतना चाल होगा? क्या ये दूरी और ये समय, ये चाल होगा क्या? किसका चाल? चोर का। फिर सिपाही तो इससे ज्यादा चलेगा, कितना? इतना। ये दूरी और समय तो दोनों को एक ही लगेगा ना। ये क्या निकला? ये चाल। ये क्या निकला? चाल। ये चाल किसका? चोर का। और ये चाल किसका? सिपाही का। ये चाल का अनुपात हुआ ना, चाल का अनुपात दिया हुआ है 4:5। 4:5 इसलिए ले रहे हैं कि पहले हम लोग चोर को लिखे, ऊपर में हम लोग सिपाही लिखते तो 5:4 लिखते। अब x का मान निकालेंगे आपका आंसर। x का मान 100 मीटर और सॉरी x का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आएगा 400 मीटर। आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए वेरिएबल ना लिया जाए। जैसे वेरिएबल लेते हैं, एक समीकरण आता है, थोड़ा सा समय ले लेता है। समय हम देना नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसका आंसर आप ऐसे दीजिए। दोनों के चाल का अनुपात क्या? 5:4। मतलब ये 5 कदम चलेगा तो ये 4 कदम चलेगा, ये ना। ये 5 किलोमीटर चलेगा तो ये 4 किलोमीटर, और ये 5 मीटर चलेगा तो ये 4 मीटर चलेगा। तो आप देखिए, 100 मीटर का मेकअप करना है ना, तो ये 5 मीटर चलेगा और ये 4 मीटर चलेगा, तो 1 मीटर का अंतर हो रहा है, 1 मीटर का मेकअप हो रहा है। और जब तक 1 मीटर का मेकअप हुआ तब तक चोर भाग गया था कितना? 4 मीटर। और जब तक 100 मीटर का मेकअप होगा चोर भाग जाएगा कितना? 400 मीटर। 400 मीटर में पकड़ा जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आप, हम जो ये वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ये 5 मीटर जाएगा और ये 4 मीटर जाएगा, दोनों को एक जगह से दोहराते हैं। ये 5 जाएगा, ये 4 जाएगा ना, मतलब ये 1 मीटर आगे निकल जाएगा ना। जब तक ये 1 मीटर आगे निकल गया तब तक ये कितना दौड़ा? 4 मीटर। तो 1 मीटर आगे जब तक निकला तब तक चोर कितना दौड़ा? 4 मीटर। और 100 मीटर जब तक ये आगे निकल जाएगा तब तक कितना दौड़ेगा? 400 मीटर। कहिए 100 क्यों? क्योंकि 100 मीटर आगे सिपाही जाएगा तब तो पकड़ेगा उसको। यही आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है तथा पुलिस 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करता है। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी? कुछ नहीं है, सवाल में सब कुछ दे दिया है। क्वेश्चन कहता है सिपाही चोर दोनों के बीच 200 मीटर का फासला है। अब सिपाही 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो सिपाही 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? 11,000 मीटर। उसका चाल दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को 11,000 मीटर नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 60 मिनट में जाता है कितना? इतना। तो 6 मिनट में जाएगा कितना? क्योंकि 6 मिनट में ही समय 6 मिनट दिया हुआ, 6 मिनट दौड़ाइए सिपाही को, देखिए कितना दौड़ता है। 11,000 मीटर बटे 60 गुना 6, 0,0 कट जाएगा, 6,6 कट जाएगा, कितना? 1100 मीटर। 6 मिनट में चोर बैठा हुआ होगा क्या? नहीं, वो भी दौड़ रहा होगा। देखिए चोर कितना दौड़ता है। चोर का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या? 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10,000 मीटर भी कह सकते हैं। मतलब 60 मिनट में चोर 10,000 मीटर जाता है। कितना जाता है? 10,000 मीटर। तो 6 मिनट में क्या जाएगा? देखिए 6 मिनट में क्या जाएगा? 10,000 बटे 60 गुना 6, 1,0, 1,0 यानी 1,000 मीटर। देखिए दोनों के बीच का फासला, ये 100 मीटर अधिक चला ना, ये 1100
और ये 1000, तो ये 100 मीटर अधिक चला ना। अब दोनों के बीच फासला कितना था, 200 मीटर, और ये 100 मीटर अधिक चल गया है, तो अब फासला कितना होगा, 100 मीटर कम हो गया होगा। अब फासला कितना, 200 माइनस 100 बराबर क्या, 100 मीटर। ये आपका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। देखिए, दोनों एक एक घंटा दौड़ता है तो क्या होता है, एक एक घंटा दौड़ता है तो ये 10 किलोमीटर और ये 11 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का अंतर हो रहा है, 1000 मीटर का अंतर हो रहा है, कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट में अंतर कितने का, 1000 मीटर का, 60 मिनट में अंतर 1000 मीटर का, 6 मिनट में अंतर कितने का, 100 मीटर का, मतलब 6 मिनट में 100 मीटर ज्यादा दौड़ेगा, तो 200 मीटर का फासला है जिसमें 100 मीटर अधिक दौड़ गया है, तो बचा कितना होगा, 100 मीटर, दोनों के बीच का फासला अब 100 मीटर होगा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक चोर एक कार चोरी करके 8:30 सुबह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर भागा। 9 बजे कार चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया। वह चोर को कब पकड़ लेगा, यानी कितने बजे पकड़ लेगा, टाइम बताना है। देखिए, 8:30 यहां से चोर भागा। सबसे पहले 9 बजने देते हैं का मतलब उस समय से है जिस समय उसका पीछा किया जाएगा। पीछा आधा घंटा बाद किया गया ना, तो आधा घंटा में चोर वही होगा क्या, आधा घंटा में चोर 30 किलोमीटर आगे निकल गया होगा। इस 30 किलोमीटर में कोई किंतु परंतु क्या नहीं, चोर का चाल दिया हुआ है, चोर 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर के चाल से चला रहा है, तो आधा घंटा में कितनी दूर जाएगा, 30 किलोमीटर, चोर 30 किलोमीटर आगे निकल गया होगा। 9 बज गया होगा, 8:30 चोरी हुआ था ना, अब 9 बज गया होगा। अब यहां से दूसरी कार से उसका मालिक पीछा करेगा और यहां से ये आगे भागेगा, मतलब चोर और मालिक के बीच 30 किलोमीटर का फासला। जब मालिक 30 किलोमीटर अधिक दूरी कवर कर लेगा तब चोर को पकड़ लेगा। अब हम लिखते हैं टी घंटा बाद पकड़ा जाएगा, चोर 30 घंटा टी घंटा बाद पकड़ा जाएगा, तो अब टी घंटा में मालिक कितनी दूरी तय करेगा, 75 टी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। कार मालिक का चाल कितना है 75, समय कितना है टी, तो दूरी ये होगा। अब चोर कितनी दूरी तय करेगा, 60 टी दूरी ये, क्यों, क्योंकि उसका चाल 60 है और टी घंटा और ले रहा है। टी घंटा अब 9 बजे के बाद, पहले आधा घंटा ले लिया वो तो अलग है, आधा घंटा लिया तब तो हम लोग चोर को आगे खड़ा किए हुए हैं, मतलब चोर अब इतनी दूरी तय करेगा 9 बजे के बाद, सिपाही इतनी दूरी तय करेगा और दोनों दूरी का अंतर 30 किलोमीटर होगा, क्योंकि जब तक सिपाही 30 किलोमीटर अधिक, सॉरी चोर कार मालिक 30 किलोमीटर अधिक चलेगा नहीं तब तक पकड़ेगा कैसे, ये 30 किलोमीटर आगे है, कहीं भी पकड़ा जाएगा, मान लिया जाए कहीं भी पकड़ा गया, तो देखिए ये ज्यादा चला ना, जितना पीछे है मालिक उतना तो अधिक चलना पड़ेगा, मतलब ये दूरी इस दूरी से 30 किलोमीटर अधिक होगा, दोनों का अंतर 30 किलोमीटर लिख दीजिए, टी का मान निकाल दीजिए, ये आपका आंसर है। ये कितना होगा, 15 टी बराबर 30, टी बराबर क्या, 30/15, मतलब क्या, 2 घंटा। 2 घंटा कब से, 9 बजे के बाद से, क्योंकि 9 तो बच गया था ना, 9 बजे के बाद कार मालिक पीछा किया, तो 2 घंटा उसको लगा, मतलब समय क्या हो रहा होगा, समय हो रहा होगा 11 बजे, नहीं 11 बज रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखिए, 8:30 से 9 बजे तक 30 किलोमीटर आगे निकल गया होगा चोर, ये बात तो हम लोग समझ गए। अब कार मालिक का चाल क्या, 75, चोर का चाल क्या, 60,
एक घंटा में कितना किलोमीटर का मेकअप हो रहा है? 15 किलोमीटर का। कार मालिक का चाल कितना? इतना। चोर का चाल कितना? इतना। मेकअप कितने का हो रहा है? 15 किलोमीटर का। और मेकअप करना कितना है? 30 किलोमीटर। कितना समय लगेगा? 2 घंटा। ये आपका आंसर है, यानी 11 बज जाएगा। 9 बज गया था, 2 घंटा और लगेगा, 11 बज जाएगा आपका।